हेलो एवरीवन, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। इन दोनों प्लान्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चाहे गंगा एक्शन प्लान हो या यमुना एक्शन प्लान हो, दोनों को क्या है, दोनों रिवर्स में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। और दोनों का एम यह था कि गंगा रिवर को और यमुना रिवर को साफ किया जा सके, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गंगा एक्शन प्लान को। तो गंगा एक्शन प्लान, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, तो 14 जनवरी को 1986 को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा, और एम था कि गंगा रिवर को साफ किया जा सके। उसके बाद दूसरी पॉइंट ये है कि ये जो गंगा एक्शन प्लान था वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव था, और फुल प्रोजेक्ट कॉस्ट कवरेज भी गवर्नमेंट के द्वारा की जानी थी। जो भी फाइनेंस था, कॉस्ट कवरेज था, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही की जानी थी, ठीक, शुरुआत में। उसके बाद क्या है कि गंगा एक्शन प्लान दो फेजेस में चला था, ठीक, फेज़ वन एंड फेज़ टू। तो पहला फेज़ था वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इनिशिएट किया था पहला फेज़, ठीक। तो पहला फेज़ जो चला था वो 1985 से 2000 तक चला था, और ये किन किन राज्यों को एनकम्पास किया था, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। मतलब फेज़ फर्स्ट में यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में आने वाली, मतलब गंगा रिवर है, ठीक है, तो उनको साफ करने के लिए यहाँ पे फेज़ वन चला था। उसके बाद फेज़ टू 1993 में स्टार्ट हुआ था, और 7 स्टेट्स में जो भी प्रिवेंशन है वो लिए गए, साफ किए करने का जो प्रोसेस है वो चला, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली एंड हरियाणा। तो दो फेजेस में चला, पहला फेज़ 1985 से 2000, और दूसरा फेज़ 1993 में शुरू हुआ। ये बात हो गई। उसके बाद गंगा एक्शन प्लान की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही था कि टू स्टॉप एंड रिड्यूस द पॉल्यूशन ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर में होने वाली पॉल्यूशन को स्टॉप करना, रोकना और रिड्यूस करना, पहला ऑब्जेक्टिव ये। उसके बाद टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वाटर ऑफ द गंगा रिवर। गंगा रिवर की वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, क्योंकि वो इतना डिग्रेड हो चुका, इतना पॉल्यूटेड हो चुका था, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करना, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ। उसके बाद है बायोडायवर्सिटी प्रिजर्वेशन दैट डिपेंड्स ऑन गंगा रिवर। गंगा रिवर पर जो भी बायोडायवर्सिटी डिपेंडेंट है, उसको, उस बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था गंगा एक्शन प्लान का। उसके बाद टेक अप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर के डेवलपमेंट के लिए और कंजर्वेशन के लिए जो रिसर्च थे उनको भी इनिशिएट करवाना, ये ऑब्जेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट है कि टेक अप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर, ये दो बार आ गया, ठीक, वही चीज़ है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ न्यू सीवेज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी सच एज अफ्लो एनरोबिक स्लज ब्लैंकेट। तो गंगा एक्शन प्लान में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स को डेवलपमेंट की भी इनिशिएटिव लिए गए थे, जैसे कि अफ्लो एनरोबिक स्लज ब्लैंकेट जो ट्रीटमेंट सिस्टम होता है उसका डेवलपमेंट करना। उसके बाद रिड्यूस द पॉल्यूशन ऑफ रिवर बाय मेकिंग यूज ऑफ सॉफ्ट शेल टर्टल्स। सॉफ्ट शेल टर्टल्स की मदद से जो पॉल्यूशन है गंगा नदी में उसको ख़त्म करना, ये एम था। उसके बाद टू इम्प्लीमेंट द सेम ऑब्जेक्टिव्स टू अदर रिवर्स। और जो सेम ऑब्जेक्टिव जो गंगा रिवर के लिए बनाई गई है, वो भारत में पाई जाने वाली और नदियों जिन वो जो पॉल्यूटेड हो चुकी है उन पे भी लागू किया जाए। ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गंगा एक्शन प्लान में लिए गए थे। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेजेस की। तो जो गंगा एक्शन प्लान था वो दो फेज में कम्प्लीट हुआ। तो सबसे पहला फेज था कि गंगा एक्शन प्लान फेज़ वन। तो जो फेज़ वन था गैप का गंगा एक्शन प्लान का, वो 3 स्टेट में लागू हुआ था। सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ था यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार में, और शुरू हुआ था ये 1985 में और 2000 तक चला था, ठीक। ये गंगा एक्शन प्लान फेज़ वन में चला था। जो टोटल कॉस्ट था गंगा एक्शन प्लान का फेज़ वन का, वो 452 करोड़ रुपए था, ठीक, इतने पैसे लगे थे उसमें। और CPCB सर्वे के अनुसार 1984 में जो गंगा रिवर बेसिन है उसमें जो टोटल सीवेज जनरेट होता था 25 क्लास 1 टाउन्स के द्वारा, वो 1340 मेगा लीटर्स था, ठीक है, डे, ठीक। तो क्या मतलब कि 1984 में CPCB के द्वारा गंगा रिवर बेसिन पे एक सर्वे की गई, उसमें ये पता चला कि 25 क्लास 1 टाउन्स के द्वारा 1985 में डेली 1340 मेगा लीटर्स पर डे क्या होता है जो सीवेज है वो गंगा रिवर में जाता है, ठीक। ये उसके बाद ओनली 882 मेगा लीटर्स पर डे ऑफ द वेस्ट कुड बी रिड्यूस इन द फेज वन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फंड्स। तो सिर्फ 882 जो MLD वेस्ट है
उसको रिड्यूस किया गया था फेज वन के द्वारा, ठीक है, क्यों? क्योंकि फंड की जो थी वो शॉर्टेज हो गई थी, कमी हो गई थी। बाद है सीवियर ट्रीटमेंट कैपेसिटी ऑफ 865 ml, मतलब मेगा लीटर्स पर डे वॉज डेवलप्ड अंडर दिस फेज। तो फेज वन के अंदर 865 ml पर डे की एक कैपेसिटी वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। तो ये फेज वन की बात हुई। अब फेज टू की बात करें तो फेज टू 7 states में इंप्लीमेंट किया गया था, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। सेकेंड फेज में जो सेकेंड फेज था वो क्या किया था, ऑल्सो एक्सपेंडेड दिस प्लान टू ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा सच एज यमुना, दामोदर और गोमती। तो सेकेंड फेज में क्या किया था कि गंगा की और जो ट्रिब्यूटरीज है उन पे भी गंगा एक्शन प्लान को इनिशिएट किया गया था, जैसे कि यमुना, दामोदर और गोमती। तो इनकी ट्रिब्यूटरीज पे भी ये प्लान एक्सटेंड कर दिया गया था। और जो इम्प्लीमेंटेशन था गैप का वो 1 अप्रैल 2001 को शुरू हुआ था फेज टू का। द गैप टू वर एक्सटेंडेड टू अदर रिवर्स ऑफ इंडिया अंडर अ सेपरेट स्कीम कॉल द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP। तो जो अभी हमने कहा कि ट्रिब्यूटरीज पर भी गैप टू में काम करने लग गया था, और क्या किया था भारत में और जो दूसरी रिवर्स हैं उनके लिए भी गैप टू को, गंगा एक्शन प्लान को एक्सटेंड कर दिया था, और प्लान को सेपरेट रखा गया था दूसरे प्लान के अंडर, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंदर। भारत में पाई जाने वाली और जो नदियां हैं उनको भी गंगा एक्शन प्लान के इनिशिएटिव्स के अंदर एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक। लेटर द गैप वॉज ब्रॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। और बाद में जो गैप था, गंगा एक्शन प्लान था, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के अंडर ला दिया गया था, और सेंट्रल गंगा अथॉरिटी भी इसी गंगा एक्शन प्लान के अंदर फॉर्म हुई थी 1986 में। तो शुरुआत में क्या था, जैसे हमने कहा कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और फुल जो प्रोजेक्ट कवरेज कॉस्ट था वो गवर्नमेंट के द्वारा था, लेकिन बाद में इसको 70-30 कर दिया गया था सेंट्रल और स्टेट के बीच में, मतलब 70% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी और 30% स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती थी, ठीक। तो ये फेज दोनों फेज में चला था गंगा एक्शन प्लान। अब अचीवमेंट्स की बात करें कि गंगा एक्शन प्लान की अचीवमेंट क्या क्या हुई है अब तक, तो देखिए इम्प्रूवमेंट इन वाटर क्वालिटी ओवर द प्री 1985 पीरियड। तो 1985 मतलब गंगा एक्शन प्लान जब लागू हुआ था उस टाइम की बात अभी कर रहे हैं हम, तो जब लागू हुआ चला कुछ तो 1985 से पहले जो वाटर क्वालिटी थी वो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था गंगा एक्शन प्लान के द्वारा। और आउट ऑफ 764 टोटल सैंक्शनड प्रोजेक्ट अंडर द गंगा एक्शन प्लान फेज टू, 652 वर कम्प्लीटेड टिल 2014। तो 464 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे गैप टू के अंदर, ठीक है, लेकिन उनमें से 2014 तक 652 को प्रोजेक्ट को पूरा किया गया गैप टू के फेज के अंदर, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान के अंदर 2014 तक। और 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को क्या किया, 5 states में कंस्ट्रक्ट कराया गया। तो ये सारी कुछ अचीवमेंट्स हैं गंगा एक्शन प्लान के। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि गंगा रिवर पॉल्यूटेड है और उसको साफ करने के लिए आपको इनिशिएटिव जो लिया गया वो अपने आप में ही खुद सबसे बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है। लोगों ने माना, गवर्नमेंट में माना कि गंगा रिवर पॉल्यूटेड हो चुकी है और हमें उसको साफ करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो ये खुद क्या था, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो ये तो भाई हमारी इमोशनल वाली बात हो गई, लेकिन ये चीज़ें तीन हमारे पास फैक्ट है कि 1985 से पहले जो वाटर क्वालिटी थी उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, 764 प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी उसमें से 652 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, और 5 states में 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ गंगा एक्शन प्लान के अंदर। उसके बाद है कि गंगा एक्शन प्लान के फेलर्स क्या क्या थे, या फिर कह सकते थे कि क्या क्या चैलेंजेस थे जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो था या पूरी सक्सेस हमें क्यों नहीं मिल पाई। तो देखिए सबसे पहला तो है कि लैक ऑफ फंड मेड इट डिफ़िकल्ट टू सेटअप एडुकेट सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रिक्वायर्ड कैपेसिटी। तो फंड की कमी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से जो पर्याप्त मात्रा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने थे प्रॉपर क्वांटिटी के, कैपेसिटी के, वो बन नहीं पाए थे। तो ये एक रीज़न था, ठीक है, फंड की कमी हो गई। उसके बाद ये कि लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस अमंग द पीपल वाज अ मेजर रीज़न। उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लोगों के बीच में जो जागरूकता है कि हाँ हमें साफ़ करना है, कुछ इनिशिएटिव लिया गया है तो उसको पालन करना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिली, लोग लगातार पोल्यूशन करते रहे, तो ये भी एक रीज़न था फेलर का। उसके बाद है फेलर टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस एंड कंटिन्यूड रिलीज ऑफ हार्मफुल वेस्टेज इनटू द रिवर्स बाय इंडस्ट्रीज वर आल्सो अ रीज़न। तो लगातार इनिशिएटिव्स लेने के बाद भी, रेगुलेशंस बनाने के बाद भी, इंडस्ट्रीज ने उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया और लगातार सीवेज
पानी में गंगा रिवर में जाता रहा, तो ये भी एक रीज़न रहा फेलर का। उसके बाद लैक ऑफ स्ट्रिंगेंट कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस और ऑल्सो अ रीज़न फॉर इट्स फेलर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कुछ नियम कानून नहीं लिए गए, रेगुलेशंस नहीं लगाई गई, ये भी एक रीज़न था कि फेलर का। उसके बाद द शीयर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉल्यूशन प्रॉब्लम ओवरवेल्म द गंगा एक्शन प्लान। द रिवर स्पेंस अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कवर ऑल पॉल्यूशन सोर्सेज एंड इम्प्लीमेंट कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशन। तो जो गंगा रिवर है उसका खुद जो जियोग्राफिकल एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो एक डिटेल्ड कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट के ऊपर रिसर्च नहीं हो पाई कि कहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है, कितना ट्रीटमेंट हुआ, तो पूरा ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाई, तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया और ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। उसके बाद द गंगा एक्शन प्लान सफर्ड फ्रॉम अ लैक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन एंड सस्टेनेबिलिटी। दिस अप्रोच लेड टू टेम्प्रोरी इंप्रूवमेंट बट फेल टू क्रिएट लास्टिंग चेंज। तो जो गंगा एक्शन प्लान था ना उसका एक लॉन्ग टर्म विजन, दूर तक सस्टेनेबिलिटी वाला विजन नहीं था। तो कुछ टाइम के लिए तो कुछ अचीवमेंट हमें मिली कि हाँ हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन फिर से वही हालत हो गई, पॉल्यूटेड हो गया। ठीक, तो लॉन्ग टर्म विजन नहीं था, सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, इसलिए वो चीज़ हमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया प्रोजेक्ट। तो ये हुआ गंगा एक्शन प्लान के बारे में। अब यमुना एक्शन प्लान के बारे में भी हम देखते हैं। तो जो गंगा सॉरी यमुना एक्शन प्लान है वो क्या है, तो यमुना एक्शन प्लान इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन एंड रिजुविनेट द यमुना रिवर विच फ्लोज थ्रू सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो यमुना एक्शन प्लान भी क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ताकि जो यमुना रिवर है उसको क्लीन किया जा सके, उसको रिजुविनेट किया जा सके। ठीक, तो इसके लिए यमुना एक्शन प्लान लिया गया था। अब ये जो यमुना एक्शन प्लान था वो 1993 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ जापान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, ये एक क्या थी, एक जॉइंट कोलेबोरेशन हुआ था इनके बीच में। ठीक, तो यमुना एक्शन प्लान 1993 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक, और ये एक कोलैबोरेटिव, एक कह सकते हैं बायलेटरल कोलैबोरेशन था जापान और इंडिया गवर्नमेंट के बीच में। ठीक, यमुना एक्शन प्लान, और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था यमुना एक्शन प्लान था, तो उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे यमुना एक्शन प्लान के, कि रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन लेवल्स इन द रिवर। सबसे पहला तो जो रिवर यमुना रिवर में पॉल्यूशन है उसके लेवल को कम करना, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है यमुना बेसिन की उसको रीस्टोर करना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव थे यमुना एक्शन प्लान के अंदर। द प्लान इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज़, और इस प्लान के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ भी ली गई थी जो सेट की गई थी, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेट करना, ड्रेनेज सिस्टम का कंस्ट्रक्शन करवाना, और पब्लिक अवेयरनेस फैलाना, लोगों के बीच में रिवर की इम्पोर्टेंस और उसकी कंजर्वेशन को बारे में बताना, ये सारी कुछ ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज़ थी जो यमुना एक्शन प्लान के अंदर ली गई थी। अब ये जो यमुना एक्शन प्लान था ये भी 3 फेजेस में चला है हमारा। देखिए, तो सबसे पहला जो था फेज़ 1 यमुना एक्शन प्लान फेज़ 1, तो ये 1993 में लॉन्च हुआ था। तो यमुना एक्शन प्लान फेज़ 1 क्या था, इनिशियल फेज था प्लान का, और इसका फोकस था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का सेट करना एंड इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन स्ट्रक्चर टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लोड इन रिवर। तो पहला जो फेज था उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को इस्टेब्लिशमेंट करना, सेटअप करना, ये क्या था, मेन फोकस था, और डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स को बनाना ताकि जो रिवर में है पॉल्यूशन, जो सीवेज है वो ना आ सके, डाइवर्स हो सके। तो ये यमुना एक्शन प्लान फेज़ 1 का काम था। उसके बाद यमुना एक्शन फेज़ 2 जो था प्लान, वो 2003 में लॉन्च हुआ था, और ये यैप के ही इफ़ॉर्ट्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। तो दिस फेज फोकस ऑन एक्सपेंडिंग द सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी एंड इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सीवेज एंड एफ्लुएंट मैनेजमेंट। तो जो यमुना एक्शन प्लान फेज़ 2 था 2003 में लॉन्च हुआ था, और ये फोकस कर रहा था कि जो सीवेज ट्रीटमेंट था उसकी कैपेसिटी को और इंक्रीज़ किया जाए, बड़े बड़े लार्जर कैपेसिटी वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेट किया जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सीवेज की, एफ्लुएंट मैनेजमेंट की, उसको भी इम्प्रूव किया जाए। तो ये फेज़ 2 में चला था काम। उसके बाद फेज़ 3 लॉन्च हुआ था 2013 में, ठीक है, और विथ अ रीन्यूड फोकस ऑन इम्प्रूविंग द वाटर क्वालिटी ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर की वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के का जो मेन फोकस था वो यैप 3 का था। दिस फेज इम्फेसाइज द नीड फॉर होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू एड्रेस द पॉल्यूशन इश्यूज इन रिवर। तो
ये जो फेज था ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा था कि एक पूरा होलिस्टिक एकजुट होकर हमें क्या करना है, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकालने हैं ताकि जो भी रिवर है इश्यूज़ है, पॉल्यूशन इश्यूज़ है रिवर की भारत में, उसको सॉल्यूशन किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। तो ये एप थ्री में ये काम चला। अब बात करते हैं कि यमुना एक्शन प्लान, आज भी यमुना कहाँ साफ हो पाई है, तो इसके फेलर्स क्या के रीजंस थे, क्या चैलेंजेस रहीं। तो देखिए सबसे पहला इसमें भी है कि इनएडिक्वेट फंडिंग, तो लैक ऑफ फंडिंग, पैसे नहीं मिले भाई, फंड नहीं मिला, इसीलिए क्या हुआ कि जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल मीजर्स लेने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, वो नहीं हो पाए पूरे, इसलिए ये एक मेजर रीज़न है फेलर का। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैव हैम्पर्ड द स्केल एंड पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स ने क्या किया, जो स्केलिंग थी, जो पेस था, स्पीड थी प्लान के लागू करने का, वो कम हो पाया, कम हुआ, तो ये एक रीज़न था। उसके बाद है लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, तो फंडिंग मिलने के बावजूद भी जितनी भी फंड मिली तो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जो भी इश्यूज थे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन लेने थे ये ऐप के अंदर, वो नहीं हो पाया। ठीक, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में प्रोजेक्ट को लागू करना था तो उसमें डिलेइंग हुई, इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे, फिर कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर, जिस जिसको हैंडल करने के लिए दिया गया प्रोजेक्ट, तो उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो ये सारी भी क्या है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से नहीं हो पाई, इसीलिए फेलर का ये रीज़न रहा। उसके बाद है अर्बनाइजेशन और इनक्रोचमेंट, तो क्या है कि यमुना रिवर के अलॉन्ग जो क्या है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, रिवर बैंक्स पे अतिक्रमण कह सकते हैं कि हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल किया जा रहा है, तो ये सब क्या करें, ये सब जो रिवर है उसको डिग्रेड ही कर रहे हैं। ठीक, और कंजर्वेशन इफोर्ट जो चलाया जा रहा है उसको और ख़त्म कर रहे हैं वो, तो ये एक रीज़न है। उसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, तो वाइल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैव बीन सेटअप अंडर द यैप, देयर इज स्टिल अ गैप इन द कैपेसिटी टू ट्रीट ऑल सीवेज जनरेटेड अलॉन्ग द यमुना रिवर, तो यमुना एक्शन प्लान के अंदर सीवेज को क्या किया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, लेकिन तभी भी एक एडुकुएट कैपेसिटी वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को नहीं बन पाया है। ठीक, ये कह सकते हैं कि फंडिंग की कमी से थी या जो भी इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया इसलिए नहीं बन पाया, तो इससे क्या है कि कॉन्टिन्यू डिस्चार्ज हो रहा है और अनट्रीटेड सीवेज भी रिवर में जा रहा है, इसकी वजह से जो रिवर है वो अभी भी पॉल्यूटेड है। उसके बाद है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, तो अलग अलग स्टेट से क्या करिए, ये रिवर पास करिए, कि स्टेट में तो है नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोई भी एफर्ट चल रहा है तो क्या हो रहा है कि उनके बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से क्या होता है कि इफ़ेक्टिव यैप जो था, इफ़ेक्टिव तरीके से ये काम नहीं हो पाया। तो ये सारे कुछ क्या हैं, कुछ चैलेंजेस या कुछ कह सकते हैं कॉजेस हैं कि फेलर क्यों हुई गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान की। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू।